इसलिए आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी काउंटिंग एंड ड्राइंग ऑफ बीड्स ऑन द अबेकस। अबेकस पर बीड्स को किस तरह से काउंट किया जाता है और कैसे अबेकस को ड्रा किया जाता है, यही हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर एक अबेकस बना हुआ है जिसमें प्लेस का नेम भी दिया गया है और प्रत्येक प्लेस पर एक स्ट्रेट लाइन भी बनी हुई है। तो जैसे हम देख सकते हैं वंस प्लेस पर एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है जिस पर छोटे छोटे सर्कल बने हैं। इस छोटे छोटे सर्कल बने हैं, इन्हें हम कहते हैं बीड्स और इन्हें ही हमको काउंट करना होता है। तो वंस प्लेस पर हम पहले इसको काउंट करते हैं, उसके बाद नोट करेंगे। तो वंस प्लेस पर काउंट करना शुरू करते हैं, 1, 2, 3। तो हम देख सकते हैं कि वंस प्लेस पर 3 बीड्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम राइट हैंड पर हम लिखेंगे वंस प्लेस पर 3। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 10th प्लेस के स्ट्रेट लाइन पर हम देखेंगे कितने बीड्स हैं। तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 10th प्लेस पर 6 बीड्स हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। अब हम देखते हैं 100th प्लेस पर कितने बीड्स पड़े हुए हैं। काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4। तो 100th प्लेस पर 4 बीड्स है, इसलिए हम 100th प्लेस पर यहाँ पर लिखेंगे 4। उसके बाद हम 1000 पर देखेंगे, काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1000th प्लेस पर 9 बीड्स हैं, तो हम यहाँ पर 1000th प्लेस पर लिखेंगे 9। अब हम 10000 पे देख लेते हैं। 10000 पे हम काउंट करते हैं, तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर दिखता है हमको कि एक ही बीड्स हैं, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। इसी तरह से अगर आगे भी बना होगा, प्लेस होगा और स्ट्रेट लाइन भी होगा और उस पर बीड्स पड़े होंगे, तो उन बीड्स को गिनेंगे और यहाँ पर नोट करते जाएंगे। इस तरह से ये अबेकस बनता है और इसी तरह से इसको काउंट करके नोट भी किया जाता है।